हट के भारत इतनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि रेलवे का निज़ाम आपके सामने पैदल है, ये देख लें, ये सारी ये पटरियों का देख लें और वैसे ग्रास वगैरह है ये, और ये देखें वहाँ से हिसाब लगाएंगे, देखें पानी वगैरह भी है। पहले ये निज़ाम सही होना चाहिए, उसके बाद भी ट्रेन आनी। पाकिस्तान तरक्की जो हमारे बड़े हैं वो ही नहीं तरक्की होने देते हैं, नहीं होने देते, नहीं होने देते। किनका कसूर है ज़्यादा? ये ज़्यादा सियासतदानों का, सियासतदानों का। आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं। मैं कि हिंदुस्तान ने एक ट्रेन बनाई है जिसका नाम है वंदे एक्सप्रेस, जो कि आगे जाके एशिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन होगी। एशिया की तेज तरीन ट्रेन है, इंशाल्लाह हमारे सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, हुक्मरानों को भी ये चाहिए कोई ऐसी ट्रेन ईजाद करे। पाकिस्तान ट्रेन के हालात बहुत बुरे हैं, मैं खुद खानपुर से आया हूँ लाहौर, अब मुझे जाना पहले फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर ट्रेन मुझे लेना पड़ेगी बाबा रहमान, यहाँ से सारा कुछ ख़राब हुआ होगा, कोई ट्रेन का आना जाना नहीं है। तो सर वो तो एशिया की तेज तरीन ट्रेन है, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हर तरह के इंजीनियर्स पाकिस्तान में भी हमारे पास हैं, अगर इनको फैसिलिटीज दी जाएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। जनाब आला, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फ्लड नहीं देखा गया, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें हिंदुस्तान की, तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी ट्रेन बना चुकी हैं जिसका नाम वंदे भारत है। अगर मुस्तकबिल में बात करें तो ये ट्रेन एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन रखने का एजाज भी हासिल कर सकती है, क्योंकि इस ट्रेन का अहम मकसद है कि इसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि ये बुलेट ट्रेन को भी अबूर कर सके। पाकिस्तान में जहां पर हम अभी इस वक्त आए हुए हैं, तो लाहौर के मुकामी रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, वहां से बात करेंगे कि अगर हिंदुस्तान की वंदे भारत एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन बन सकती है, बुलेट ट्रेन को क्रॉस कर सकी है, और स्पीड उसकी इतनी हो गई है कि 180 किलोमीटर पर आवर पर वो चल रही है, तो पाकिस्तानियों के क्या रिव्यू है? मेरे साथ बनिए रहिएगा लाहौर इफायर्स वीक के साथ, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त आगा शेख सरवर, देखते रहिए लाहौर इफायर्स वीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मेरा नाम फिजान। मेरा जिया। मेरा नाम माजुर रहमान। रफीक नाम है मेरा। हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान, मुसाफिर हैं, आ रहे हैं या जा रहे हैं ये बताएं? जी सर मैं जाने लगा हूँ इस टाइम। कहाँ पे जाएंगे? सर नारोवाल जाना मैंने। नारोवाल जाएंगे। हिंदुस्तान का आपको थोड़ी सी एक न्यूज़ बता देता हूँ, हिंदुस्तान की ट्रेन है वंदे भारत, कहा ये जा रहा है कि एशिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन होगी ये उन्होंने जो बनाई है, तो यूँ समझे कि विदान ट्रेन जो एशिया की तेज तरीन ट्रेन है, इंशाल्लाह हमारे सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, हुक्मरानों को भी ये चाहिए कोई ऐसी ट्रेन ईजाद करे जिससे वो उनके मुकाबले में तोड़ उनका निकाल सके, और इंशाल्लाह कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान में भी ऐसी एक ट्रेन होनी चाहिए। ट्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने ये कामयाबी की, उनको किस नजर से देखते हैं आप? जैसे कि उन्होंने कामयाबी की है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा कामयाब हो सकता है अगर वो करना चाहो, बनना चाहे तो ये कामयाबियाँ हों क्यों नहीं पाकिस्तान में, क्या समझते हैं इस चीज़ को? बस हुकूमत की नाहली है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि रेलवे का निज़ाम आपके सामने पैदल है, ये देख लें, ये सारी ये पटरियों का देख लें और वैसे ग्रास वगैरह है ये, और ये देखें वहाँ से हिसाब लगाएंगे, देखें पानी वगैरह भी है। पहले ये निज़ाम सही होना चाहिए, उसके बाद बुलेट ट्रेन आनी चाहिए। अब ये देखें, अब टाइम पे हम अब कितने बजे आए हैं हम लोग, क्या टाइम हो रहा है अभी? कोई 5 बज रहे हैं। 5 बजे हम लोग आए हैं, अब ट्रेन का टाइम दिया उन्होंने 7:45, अब 7 बजे आएगी, 7:30 बजे आएगी, 8 बजे आएगी। अब ये भी टाइम निज़ाम इनका ठीक होना चाहिए, रेलवे का बहुत निज़ाम ठीक होने वाला है। उन्होंने तरक्की की है, बिल्कुल। हमें भी चाहिए कि हम हमारी हुकूमत को चाहिए, हमें तो नहीं हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी और देखें, हमारे मुल्क के पहले हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, चाहिए कि तरक्की करें रेलवे। जो हमारा जाहिर सा मैं भी मुलाजिम हूँ, रेल का ही मुलाजिम हूँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन्हें चाहिए कि यहाँ कोई तरक्की करें। अच्छा आप रेलवे मुलाजिम हैं, रेलवे की हालात कैसे हैं अभी के मौजूदा वक्त में? पाकिस्तान ट्रेन के हालात बहुत बुरे हैं, मैं खुद खानपुर से आया हूँ लाहौर, अब मुझे जाना पहले फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर ट्रेन मुझे लेना पड़ेगी बाबा रहमान, यहाँ से सारा कुछ ख़राब हुआ हुआ, कोई ट्रेन का आना जाना नहीं है, बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। बसों के सफ़र करें 4,000-4,000, 3,000-3,000 लाहौर के कराए हुए हैं बसों के। ऐसी बात है, ऐसी बात, मैं आया हूँ ना इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3,000 से कम कोई यहीं नहीं कराया, किसी भी बस में आप बैठ जाओ सफ़र कर लो। सर वो तो एशिया की तेज तरीन ट्रेन है, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हर तरह के इंजीनियर्स पाकिस्तान में भी हमारे पास हैं, अगर इनको फैसिलिटीज दी जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। तरक्की कर सकता है जी, बिल्कुल। क्या वजह क्या रहती है कि हम हिंदुस्तान से इतना पीछे क्यों हो गए, वो इतनी कामयाबी क्यों कर रहे हैं? सर देखें, उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, IT में वो लोग बहुत आगे हैं, हम लोग उनसे हर चीज़ में पीछे चल रहे हैं।
पाकिस्तान में अगर इंजीनियर्स को फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी लोग भी किसी से कम नहीं है। इनका दुनिया में हर दुनिया, पूरी दुनिया में इनका नाम है। कोशिश करेंगे जिस तरह इधर अभी सैलाब के हालात ऐसे बने हुए, तो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। हुक्मरानों से यही अपील है कि कुछ करे और इस तरह मुसाफिरों के लिए ऐसी ट्रेनें ईजाद बनाए, ईजाद करें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान क्यों हमसे इतना आगे की तरफ जा रहा है, क्या वजूहत है इसकी? क्योंकि इनका इतफाक़ है कि वो यहूदी हैं, मगर फिर भी आपस में इतफाक़ है कि मुसलमानों में इतफाक़ नहीं है, इतफाक नहीं है, बिल्कुल इतफाक नहीं है। अगर इतफाक़ वज़ीर आज़म से लेकर चपरासी तक भी इतफाक होता ना, तो ये मुल्क इंडिया से 100 गुना आगे निकल जाता, 100 गुना आगे, बिल्कुल। क्योंकि वो ट्रेन पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या कमी है? पाकिस्तान में क्या कमी है? हर चीज़ है पाकिस्तान में, हर चीज़ में। पाकिस्तानी इंजीनियर क्यों नहीं इतना कामयाबी कर रहे? हिंदुस्तान क्यों हमसे मजीद तरक्की पे तरक्की करी जा रहा है? पाकिस्तान तरक्की, जो हमारे बड़े हैं वो ही नहीं तरक्की होने देते हैं, नहीं होने देते, नहीं होने देते। किनका कसूर है ज़्यादा? ये ज़्यादा सियासतदानों का, सियासतदानों का। आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं, आपका नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रेन आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, फ़ायदा है इसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा, अभी बहुत फ़ायदा, अभी बनानी चाहिए ये मनसूबा, अभी मंजूर करवाना चाहिए हुकूमत को। इंडिया हमारे से क्यों आगे जा रहा है? हम उनसे कम नहीं है। गवर्नमेंट को जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ का निज़ाम ठीक करना चाहिए, ये साफ़ सफाई करनी चाहिए पहले, बाद हमारे सफ़र वगैरह अच्छा करना चाहिए, और ट्रेन के अंदर जो ये जो गंदगी वगैरह होती है ये सारी ठीक करनी चाहिए, डब्बे वगैरह इन्हें सही करने चाहिए, अंदर से साफ़ सफाई करें, और दूसरा ये पैसेंजर्स को ताकि सेटिस्फेक्शन हो, ताकि बाहर से जो भी लोग आएँ। अब देखें हमारे रेलवे का निज़ाम कितना गंदा है, ठीक है, बाहर आप जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा है, सफाई वगैरह भी होगी, हर चीज़ वहाँ पे, हर फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ पे वो बात नहीं है पाकिस्तान में। और यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे हैं, गंदगी वगैरह भी करते हैं, खुद भी हम लोग भी गंदगी वगैरह ना करें। अभी देखें वो रैपर वगैरह पड़े हुए हैं, और भी चीज़ें वगैरह हम ना फेंकें, हम बिन वगैरह रखी होती है साइड पे वहाँ पे फेंकें, लेकिन हम लोगों भी ऐसे ही, हम लोग भी नहीं करते, ठीक है। थोड़ा हमें भी करना चाहिए, थोड़ा रेलवे को भी ताउन हमारे साथ करना चाहिए, और यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये फ़िदानी क्या वजह है कि हिंदुस्तान हमसे डेवलपमेंट में आगे जाया जा रहा है, इसकी क्या वजूहत देखते हैं आप? हिंदुस्तान इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वहाँ का यानी कि जॉब्स वगैरह भी, वहाँ के वसाइल कम है, लेकिन रेलवे का निज़ाम वहाँ पे इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ का गुड है मेरे ख्याल से। तो जैसे कि उन्होंने ट्रेन बनाई है वंदे भारत के नाम से, पाकिस्तान में आपको लगता है ऐसी ट्रेन आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ये तो बहुत सहूलत है। ऐसी है ना, सहूलत मतलब कि कैसी हो, मतलब कि आपको कौन लगता है कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर है, अभी ख्वाजा साद रफीक हैं, पीछे शेख रशीद साहब गुजरे, कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो वाकई में ऐसी ट्रेन लेके आ सकता है? इन दोनों का तो ठीक है, लेकिन दोनों को चाहिए कि ऐसी ट्रेन चलानी चाहिए। किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए दोनों ठीक है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए। रेलवे के हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, क्योंकि उधर सारी वो जो लाइन है ना जो कराची जाती है, उसकी वजह से सारी ट्रेनें बंद हुई है, फ्लड्स की वजह से, सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो अभी आनी है, फैसलाबाद से लाहौर, यहाँ कोई जो नज़दीक शहर है जो बस, मतलब बड़ी कराची नहीं जा रही, लाहौर से वाली साइड पे नहीं जा रही, तो बंद हो गए सारे, सारा कुछ बंद है, वो लाइन हमारी सारी टूट गई है, सारा कुछ बंद होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रेन आनी चाहिए? हाँ जी, जरूर आनी चाहिए, ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि वो उन्हें सोचे कि देखे दूसरे मुल्क वाले तरक्की कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ करें, ठीक हो गया। अच्छा, क्या लगता है आपको हुकूमत को किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए रेलवे में रहकर? रेलवे में रहकर यार सबसे पहले तो ये हमारी लाइनें ना सारी क्या कहते हैं ख़राब है, ठीक हो गया, जिधर भी जाएं ये ट्रेनें ज़्यादातर तो लेट होती हैं, ठीक हो गया, ये लाइन की वजह से ट्रेन लेट होती है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं जो हमारे कोचिज़ होती हैं उनमें भी क्या कहते हैं खराबी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या वजह रहती है, आपको क्या लगता है रेलवे के हालात कैसे हैं? रेलवे के तो फिलहाल हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि जब से ये सैलाब जदगान सैलाब आए हैं, बिल्कुल ही ट्रेनों का रफ्त जो है ना बिल्कुल मुअत्तल हो गई है, और लोग बसों में जा रहे हैं, बसों में जो है ना किराए भी काफ़ी ज़्यादा है, और मुसाफिरों के लिए भी जो है ना एक तकलीफ बात बन गया है। सर, रेलवे के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं सर, बहुत बुरे चल रहे हैं, जिस सफ़र को हमें लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में तय पा जाना चाहिए, लेकिन उसी सफ़र को 3-4 घंटे लगते हैं, और बहुत मुश्किल होती है। अब जिस तरह के ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग ट्रेनों का रुख कर रहे हैं, किराए बहुत बढ़ चुके हैं गाड़ियों के,
अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ रेलवे की तरफ अब लोग रुक कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि ट्रेन पर सफ़र करना हमारे लिए सूटेबल है, हमें बेस्ट रहेगा। लेकिन पाकिस्तान रेलवे को भी चाहिए कि इसको इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए, इसमें ट्रेनों का इजाफा किया जाए, इससे आवाम को रोज़गार भी मिलेगा और इंशाल्लाह लोगों को सहूलत भी मैसर होगी। अच्छा, किन किन चीज़ों पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले साफ सफाई पे देना चाहिए, एक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा डब्बे वगैरह साफ करने चाहिए, डब्बे वगैरह साफ हो गए। और तीसरा ये जो ये ग्रास वगैरह है, ये जो ट्रेन ये गेट वगैरह साफ करना चाहिए। ट्रेन वगैरह जो लेट होती है वो उसको टाइम पे आना चाहिए। पैसेंजर्स के साथ ताउन करना चाहिए उनके, और जो ये सैलाब की वजह से ज़रा मसले मसाइल हुए हुए हैं, ट्रेन वगैरह ख़राब हुई हुई हैं और दूसरा पटरियाँ वगैरह ख़राब हुई हैं, इसको जल्दी से ठीक करवाएँ। और उसके बाद देखा जाए तो मेरी नज़र में तो अभी इतना ही है, अभी 7-8 पॉइंट हैं जिस पे अभी हुकूमत को गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। हमें भी जाइए उनके साथ मिलें, हमारा दोस्त मुला गया वो, बिल्कुल हमसाया है, हमसाया। अच्छा, आपको लगता है कि जो बड़े सफ़र होते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान वेदांता एक्सप्रेस में, वो हों, आप चाहते हों वो? हाँ जी। और आपके सामने ये निज़ाम कोई, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बेकार है यार, ये बेकार रेलवे है इनकी, मेरे ख्याल बेकार रेलवे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए रेलवे को, आपको क्या लगता है? पहली बात है ये अंग्रेज़ों की दौड़ की, ये जो बिल्डिंग वगैरह सब कुछ अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, इन्हें चाहिए कि ये सब कुछ ख़त्म करके अब जदीद ट्रेनें लेके आएँ। लेकिन ये पुराने इंजन वो लेट हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे कि किसी की फौत की हुई होती है, कोई शादी पे जाना है किसी की गम खुशी में, ये ट्रेनें बहुत यानी कि नाकाम है, पाकिस्तान में ये नाकाम है ट्रेनें। हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, यहाँ की अगर गवर्नमेंट के हाथ में होता सारा, ठीक है, गवर्नमेंट अगर यहाँ की चाहेगी तो गवर्नमेंट यहाँ की भी अच्छा कर सकती है, यहाँ का भी निज़ाम अच्छा हो सकता है अगर गवर्नमेंट के हाथ में। वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि फोकस करती है इन चीज़ों में सब, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती, बस इतना फर्क है और तो कुछ भी नहीं है। भारत को पैगाम क्या देंगे, भारत तो खुद हमारे खिलाफ हुआ है सारा कुछ, लेकिन उनकी इस कामयाबी है ना, कामयाबी के लिए उनको बस शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इनको करके दिखाएगा, ये करके दिखाएगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान को पैगाम क्या देने चाहेंगे, मगर ये है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे और उनके हुक्मरानों को सलामत रखे। हाँ, तो जो ना उनके बदौलत जिस तरह वो इस तरह ट्रेन बना सकते हैं तो हमारे पाकिस्तान भी इन चीज़ों की कमी नहीं है, हम भी बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, और अगर हिम्मत और नीयत से काम करें। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं, चैलेंज करेंगे या फिर खुशखबरी उनको मुबारकबाद देंगे? नहीं नहीं सर, हम उनको बिल्कुल मुबारकबाद नहीं देने वाले, हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, हम उन्हें चैलेंज करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा दौर में हम उन्हें बताएंगे आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। किसकी नुमाइंदगी में हो सकता है ये पॉसिबल? सर ये देखें, ये तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, किस प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है यार चौधरी? ये तो ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन दूँ, चले बताएं, मौलाना फजलुर रहमान, जैमिया शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान? नहीं सर, इमरान खान साहब की हम बात करेंगे, अगर इमरान खान अगर उन्हें अच्छा। मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान डे बाय डे तरक्की करेगा इंशाल्लाह।